नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल और मैं हूं आपके साथ खुशबू पांडे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है देहरादून से। सीएम धामी का केदारनाथ दौरा रद्द हो गया है, खराब मौसम की वजह से दौरा रद्द हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले खराब मौसम की वजह से अब उनका केदारनाथ दौरा रद्द हो गया है। लगातार पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। ऐसे में केदारनाथ की भी बात की जाए तो लगातार बारिश पहाड़ी इलाकों में हो रही है, जिस वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी केदारनाथ दौरा फिलहाल रद्द हो गया है। तो सीधे आपको ले चलेंगे देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई परियोजनाओं को लेकर बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचामृत कार्य योजना के तहत भारत में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही एक लंबी दीर्घकालिक योजना 2070 तक 2070 तक देश को नेट जीरो यानी कार्बन न्यूट्रल बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रो उत्पादन और उद्योगों में जो स्वच्छ ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत के साथ ही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसकी भी स्थापना करने का काम किया है। और आज प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर पंप, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए जो सब्सिडी प्राप्त हो रही है, समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग है वो तेजी से बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश में सौर ऊर्जा और जल विद्युत के क्षेत्र में, हाइड्रो के क्षेत्र में असीम संभावनाएँ हैं। प्रदेश में सौर ऊर्जा की अधिकतम परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए हमारी सरकार पिछले सालों में नवीन सौर ऊर्जा नीति हमने बनाई है और समय समय पर उस नीति में हमने संशोधन भी किया है। मतलब अनेक जो हितधारक हैं उन हितधारकों के साथ हमने बैठक की है, उनके विचार जाने हैं, उनके सुझाव लिए हैं और जहाँ पर नीति में शिथिलीकरण करना है या कोई नई चीज़ जोड़नी है वह भी हमने स्वीकार करने में कोई देरी नहीं की है। हमने 2025-26 तक राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है और हमारे इस वर्ष के सामान्य बजट में उसमें बजट की भी हमने प्रावधान कर दिया है। 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान हमने इस साल के बजट में किया है। आपको पता है मंत्री जी, पता है 100 करोड़ रुपए के बजट रखा है, जो अभी आप कह रहे थे ना रखा, इनके ऑफिसों में नहीं लगा है। हाँ नहीं, इनके ऑफिसों में नहीं, बजट नहीं, मैंने कहा कि अभी नहीं, मंत्रियों का तो चलिए मंत्री लोग खुद ही लगाएंगे और क्या लगवाएंगे, विधायक लोग भी लगवाएंगे, सब लोग लगवाएंगे। अभी क्या हमारे सरकारी कार्यालयों में, और मैंने भी ये चूंकि आज तो ये बैठक हो रही है लेकिन एक दिन मैंने श्री मीनाक्षी सुंदरम जी और रंजना जी ये सब लोग बैठक में थे और ये मैं आज से लगभग एक साल डेढ़ साल पहले से ये बात बार बार आप लोगों से अनुरोध कर रहा था कि आप मुख्यमंत्री ये जो आवास है इसमें और जो मेरा जो निजी आवास है वहाँ पर भी, क्योंकि जो भी उसकी फीस देनी होगी वो हम जमा करेंगे, लेकिन आप इस प्रकार का प्रावधान करते हैं। वो केवल इसलिए नहीं कि यही इसकी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए या लोग इसको देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं वो अपने यहाँ भी लगाने के लिए जो है कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ती है। और ये बात बिल्कुल ठीक है मंत्री जी जो कह रहे थे
कि आप लोगों के कार्यालय में ये सब लगेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी कि हमको भी अपने यहाँ लगाना है। और जो हमारे यहाँ ऊर्जा की जो खपत है और ऊर्जा का उत्पादन है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, 40-60 का रेशियो है जो हमारा उत्पादन और खपत के बीच में। तो इस खपत और उत्पादन के बीच का जो बड़ा गैप है, उस बड़े गैप को पाटने के लिए भी, उसको बराबर करने के लिए भी ये ऊर्जा, ये नवीनीकरण ऊर्जा, ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और बड़ी हर्ष का विषय है कि आज हम प्रदेश के 27 शासकीय भवनों में कुल 1.26 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण आज कर रहे हैं, आज किया है हम लोगों ने। यह पहल हमारे प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी और हमारी जो भावी पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ एवं स्वस्थ पर्यावरण आने वाले समय में सुनिश्चित होगा और इकोलॉजी में एक बड़ा योगदान होगा। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 70% सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है, 70% सब्सिडी भी दी जा रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना के लिए अभी तक 734 लाभार्थियों को 3.72 करोड़ का अनुदान अभी तक दिया जा चुका है। इसके साथ ही घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सोलर प्लांट हीटर संयंत्र की स्थापना पर भी 30-50% तक का अनुदान प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। इस योजना हेतु हमने ऑनलाइन जो पोर्टल विकसित किया है उसका आज आपने मेरे हाथों ही उसका शुभारंभ करवा दिया है। इस पोर्टल के जरिए अब उत्तराखंड का हर नागरिक सोलर प्लांट की स्थापना में अनुदान लेने के लिए आसानी से आवेदन कर सकेगा। लेकिन मेरा इसके साथ साथ यह भी आप सबसे कहना है कि ये जो एक प्रकार से अनुदान लेने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अत्यधिक सरल होनी चाहिए और इतनी सरल हो कि सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद एक समय सीमा के अंतर्गत उनको सब्सिडी निर्गत हो जाए। जैसे बहुत सारे विभागों में मैंने पिछले दिनों में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक कर रहा था तो उस बैठक में मैंने कहा कि हम लोग 60 साल के होने के बाद जो हमारी वृद्धावस्था पेंशन है वो लगती है, तो 60 साल होने पर जो लोग उसकी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जिनके आय प्रमाण पत्र से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं उसके लिए होती हैं उस पेंशन के लिए, अगर वो उस औपचारिकता को पूरा करते हैं तो उनको कोई फार्म भरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 60 साल के हुए और स्वतः ही जो है उनकी पेंशन लग गई। इसी प्रकार से खतरा खतौनी के लिए, खतरा खतौनी लेने लोग कई महीनों तक चक्कर लगाते रहते हैं, तहसील के चक्कर, पटवारी के चक्कर, कानूनगों के चक्कर, तहसीलदार के चक्कर या एसटीएम कार्यालय के आसपास। तो हमने कहा कि इसमें भी एक बार औपचारिकता पूरी हो जाए और औपचारिकता पूरी होने के बाद सीधे उनके मोबाइल में वो खतरा और खसौनी जो है पहुंच जाए, जो भी समय सीमा निर्धारित करें। इसी प्रकार से बहुत सारे नक्शे हमारे पास होते हैं, वो नक्शे भी पास करवाने के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, इस प्राधिकरण के चक्कर, उस प्राधिकरण के चक्कर, उसमें भी एक बार औपचारिकता पूरी हो और इतने दिन के बाद अगर कोई कमी नहीं है तो डीम्ड बोलते हैं ना उसको रंजना जी, डीम्ड अप्रूवल उसका मिल जाए। तो ये व्यवस्था हमारा जो सरलीकरण, समाधान और निस्तारण का जो मंत्र है वो मंत्र होना चाहिए। और इसी प्रकार से मैं आप सबसे चाहूँगा कि इस विभाग में भी जो सब्सिडी की प्रक्रिया है, अन्य प्रक्रियाएँ हैं, वो इतनी आसान हो कि आसानी से लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। हम योजनाएं लाते हैं और कई बार हमारे शब्द और औपचारिकताएं और उसकी जो भाषा होती है वो इतनी थोड़ा सा ऐसी होती है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग क्लिष्ट वह भी वो लोग अपना देख के जैसा भी है। मैं चाहूंगा कि अगर कभी मैं बैठक लूँ तो इसमें
जरूर मुझे इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि आपने क्या सरलीकरण किया, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, मैं जिस विभाग की भी बैठक में जाता हूं उस विभाग से मेरी अपेक्षा रहती है, क्योंकि इस विभाग के तो मंत्री के नाते भी मैं ही आप लोगों के साथ हूं, मतलब या मैं कहूं कि हम सब साथ साथ हैं, हम लोग साथ साथ काम करते हैं, तो ज़रूर जो है इस दिशा में हमको सोचना है। और इसके साथ ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के माध्यम से राज्य के जो हमारे स्थायी लोग हैं उन सभी को स्वरोजगार का अवसर भी प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत भी अभी तक 583 विकासकर्ताओं को 103.60 मेगावाट क्षमता के जो सोलर प्लांट हैं वो प्लांट दिए हैं, और अभी तक 2026 तक कुल 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांटों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। आज राज्य में ओरेडा द्वारा संचालित 26 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से हमारे जो प्रयास हैं वो उसके परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इन 72 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं से हमारे राज्य में लगभग 25 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का वार्षिक उत्पादन हो रहा है। ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण भी है कि ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में हमारे प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार नेट जीरो कॉन्सेप्ट पर आधारित राज्य के प्रथम सुपर ECBC भवन का निर्माण भी करवा रही है, जो स्वयं की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगी। और हमने प्राधिकरणों से भी इस बारे में कहा है कि जिस समय वो नक्शे इत्यादि पास होते हैं उस समय इसका प्रावधान कर लें, दो चीज़ों का, एक तो सोलर का और दूसरा रेन हार्वेस्टिंग का। ये दोनों चूंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, सोलर करने से चूंकि अपने उनके भवन में जितनी ऊर्जा लगेगी वो वहीं से उनको उत्पादन हो जाएगा, और साथ में नहीं तो ग्रिड में चली जाएगी, और जो हमको ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता है उसमें भी हमारा योगदान हो पाएगा। इसी प्रकार आज हम अनेक जल स्रोतों का पुनर्जीवन बनाने के लिए, उनको रिचार्ज करने के लिए अनेक प्रकार से काम कर रहे हैं, और जो जल स्तर घट रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें होंगी। अगर मैं देहरादून शहर की बात करूं तो जितना सारा निर्माण कार्य यहाँ पर हो चुका है उसके कारण से अभी होने वाली वर्षा में वर्षा होती है और वो सारा का सारा पानी निकल जाता है, और रिचार्ज की संभावनाएं कम होती हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम सबको भी इस दिशा में काम करना है, और जो ECBC भवन है ये भवन इस दिशा में काम करेंगे, और ये भवन हमारे प्रदेश की जो ऊर्जा की स्वतंत्रता के लिए काम हो रहा है वो एक मॉडल के रूप में काम करेंगे, उनको देखकर भी लोग प्रेरणा लेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज हमारे प्रयास सभी क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और इस क्षेत्र में भी, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी हमारे प्रयास आने वाले समय में पूरे देश के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में सामने आए, और हम ये कह पाएं कि नहीं, हम इस रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हमारा राज्य कर रहा है। आपने देखा होगा कि विकास के जो प्रयास हमारे राज्य के अंदर हो रहे हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उन प्रयासों को सफलता मिल रही है। और अभी अभी जो नीति आयोग का अभी एक हफ्ते पहले जो नीति आयोग की रेटिंग आई है उस सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दृष्टि से जो नीति आयोग ने रेटिंग जारी की है उसमें हमारा राज्य उत्तराखंड उस रेटिंग में पहले नंबर के राज्यों में आया है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है, इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में भी हमारा राज्य उसको सस्टेन करे, उसमें और अच्छा सुधार हो, उसमें हर विभाग का अपना योगदान है। क्योंकि कोई राज्य आगे बढ़ता है तो कुछ एक विभागों के या कुछ एक लोगों के काम करने से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये तस्वीर आपने देखी देहरादून की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात भी थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर
प्रशासन लगातार सतर्क है। प्रशासन की ओर से कावड़ मार्ग पर पहचान के साथ व्यवसाय करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इस पर जानकारी देते हुए सीएम धामी ने बताया है कि इस फैसले के पीछे जनता का भी आग्रह था। दरअसल हर की पैड़ी पर कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब अपराधी ने नाम बदलकर अपराध किया और समय प्रशासन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इन सब चीजों से बचने के लिए हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है। देखिए, ये चूंकि आप लोगों को जानकारी इसकी आज हुई होगी शायद मेरे ख्याल से कि हमने ऐसा निर्णय किया है। ये निर्णय हमने 12 तारीख को ही कर लिया था। 12 तारीख को जब हम वहां पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था। क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है, अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। तो वहीं कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर सत्यापन ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। इस पर जानकारी देते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन ने बताया है कि लगातार कांवड़ियों की तरफ से कांवड़ पटरी पर शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने सत्यापन ड्राइव अभियान चलाया है। साथ ही कहा है कि अब कांवड़ मार्ग पर जो भी दुकानें या रेड़ी पटरी वाले हैं, उन्हें उनके मालिक का नाम अनिवार्य रूप से लिखना होगा। तो वही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर अब शासन और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो चुका है और ऐसे में अब ठेले वालों को भी नाम प्रकाशित करना होगा। कांवड़ यात्रा मार्ग पे आपने देखा होगा विगत वर्षों में भी और इस साल भी छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है। जैसे कल प्याज लहसुन को लेकर वाले खाने को परोसने को लेकर के विवाद हो गया था, तो इस तरह के ये विवाद तभी हो जाता है जब रेट लिस्ट नहीं लिखा रहता है। पता चला कि कोई सामान खरीदा किसी ने और उसका एग्जॉर्बिटेंट रेट पे पैसे मांग लिए गए, उसको लेकर विवाद हो जाता है। कई बार ये पता चला कि जो प्रोप्राइटर है वो किसी दूसरे धर्म का या कहीं से है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में क्रिएट हो जाती है। तो उस सबको देखते हुए एक वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है और सबको ये निर्देशित किया गया है कि जो भी लोग जिनके नाम पे वो मिला है उनको ठेका, वो अपना नाम डिस्प्ले करें साथ में, जिससे कि हमें वो मालूम रहे कि कौन सी व्यक्ति है। इसमें कोई एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं है, एंटी नेशनल एलिमेंट तो नहीं है जो वहाँ उस हमारे इसको उसमें बिघन डालने का प्रयास कर सकता है। उसी के तहत ये हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा भवन में खेल विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राष्ट्रीय खेलों को लेकर चर्चा की गई है। वह इस पर जानकारी देते हुए खेल मंत्री ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार पहाड़ी जनपदों में भी भारी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए व्यवस्थाएं की गई है। इसके तहत पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग और टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर के खेल मंत्री रेखा आर्य ने बैठक ली और इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। इस दौरान खेल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मैं पूर्व में डिपार्टमेंट को जो निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक के दौरान दिए गए थे, उसके इम्प्लीमेंटेशन में आखिर क्या क्या चीजें की गई हैं, उसकी समीक्षा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की यह अपेक्षा रही कि राष्ट्रीय खेल कुछ पहाड़ों पर भी होने चाहिए, जिसमें पिथौरागढ़ जनपद में बॉक्सिंग की उनकी अपेक्षा रही है, जिसमें टिहरी में भी, टिहरी झील में भी कोई एक्टिविटी होने की भी अपेक्षा रही है, जिसको लेकर आज पुनः समीक्षा की गई है। तो यह विचार बनाया गया है कि पिथौरागढ़ में हम लोग बॉक्सिंग कराएंगे और हम लोग टिहरी में जो है या तो रिवर राफ्टिंग या कोई दूसरा गेम जो है वो हम लोग कराने का जो है आज निर्णय लिया गया है। तो वही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश की पांचों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, तो वही दो सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत भी मिली। अब इसको लेकर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का बयान सामने आया है।
उन्होंने लोकसभा चुनाव हारने के दो अहम कारण भी बता दिए हैं, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एकजुट होकर लड़ने की सलाह भी दी है। दो कारण बने, एक तो ये पहले चरण में चुनाव हुआ तो जब तक माहौल बन, जैसे इंडिया गठबंधन का माहौल पूरे देश में जो तीसरे चौथे चरण के बाद बना, अगर यही चुनाव अगर तीसरे चौथे चरण में होता तो उत्तराखंड में कांग्रेस जीतती, पांचों सीटें तो नहीं जीतती, दो या तीन सीटें हम जीत सकते हैं। नंबर दो, अगर हमारे सीनियर नेता, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो चुनाव लड़ते तो भी कुछ बात ही अलग हो। ये दो कारण सबसे बड़े जो चुनाव हमारे, आप सोचो ना, लोकसभा चुनाव के बाद बद्रीनाथ उपचुनाव हुआ, मंगलौर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव तो किसी भी सरकार में रहते हुए जीतना बहुत मुश्किल होता है। प्रदेश में मॉनसून ने अपनी दस्तक दे दी है, ऐसे में विभिन्न जगहों से भूस्खलन की खबरें भी सामने आने लगी है। तो वही पहाड़ों में ऐसे कई मार्ग हैं जहां भूस्खलन की हमेशा संभावना बनी रहती है, इसी के तहत अब काठगोदाम हेड़ाखान सड़क पर हमेशा ही भूस्खलन का खतरा बना रहता है। यहां प्रशासन की ओर से 24 घंटे जेसीबी तैनात की गई है जो मलबा आने पर सड़क को तुरंत दुरुस्त करने का काम करती है। देखिए हमारे संवाददाता संजय प्रसाद की एक खास रिपोर्ट। हम हेड़ाखान मोटर मार्ग के पास हम खड़े हैं सिमलिया बैंड पर, जहां अक्सर लैंडस्लाइड की घटना होती रहती है। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है, जहां आए दिन लैंडस्लाइड होता रहता है और खासकर छोटी सी बरसात में भी यहां लैंडस्लाइड बहुत भारी मात्रा में होता है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा हिस्सा जो है इस सड़क का वो लैंडस्लाइड की चपेट में है, और आए दिन इस रोड की वजह से जो हेड़ाखान का रास्ता है वो पूरी तरह बाधित हो जाता है। लगातार ग्रामीण भी जिसको खुलवाने की या इसके ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, और लगातार ज्ञापनों का दौर इसके लिए जारी है। लगातार ग्रामीणों की क्या जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने लगातार वर्षों से वो इस पे मांग कर रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट किया जाए, परमानेंट ट्रीटमेंट इसका किया जाना चाहिए, और सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक इसका कोई परमानेंट हल नहीं निकल पाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है ये बिल्कुल चट्टान है और जो लगातार गिरता रहता है, हल्की सी बरसात में भी यहाँ पत्थर आने का, मिट्टी आने का सिलसिला जारी रहता है, और जिसको खोलने के लिए प्रशासन की तरफ से बहरहाल यहाँ एक मशीन जो है वो परमानेंट तौर पर यहाँ खड़ी की गई है। जब भी ये मार्ग बाधित होता है तो इस मशीन के द्वारा यहाँ कुछ घंटों में ही मार्ग खोल लिया जाता है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि रात में भी यहाँ ट्रैफिक जो है, रात में भी इस रोड पे ट्रैफिक चलता है, और उसमें उस समय अगर कोई दुर्घटना होती है या फिर लैंडस्लाइड होता है तो उस समय रात में इस रोड को खोलने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसका जो परमानेंट हल है, जो इसका हल निकालने की बात कही जा रही है, तो वो अभी तक शासन के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा अभी तक कोई हल नहीं निकाल पाया गया है। लगातार ग्रामीण इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस रोड का एक परमानेंट हल निकाला जाए। शासन को भी कई बार इससे अवगत करा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब इस जगह का परमानेंट हल निकल पाता है, इस समस्या का हल निकल पाता है, कब ग्रामीणों को ये सुविधा मिल पाती है। अभी स्थिति पहले से बेहतर है। अभी रोड सुबह के टाइम जल्दी आना पड़ता है, गाड़ियां जाती हैं तो उनके लिए रास्ता साफ करना पड़ता है। वैसे बंद दो तीन दिन पहले बंद हुआ था, दो तीन जगह से बंद हुआ था, रात में बारिश हुई थी तेज, और अभी नहीं हुआ है बंद। आज दिन में सिर्फ काम किया है, सुबह से अभी तक काम किया है, इसकी चौड़ाई बढ़ाई है। क्या मलबा आता है इसमें, कुछ पता चलता है? बारिश, बारिश की वजह से आएगा, वैसे रोड सही रहेगा। बारिश अगर रात में, आज जैसे मौसम है, बारिश होगी तो मलबा आएगा। आप कितने बजे सुबह आ जाते हैं? मैं कई बार, मेरे को नाइट में फोन आ जाते हैं, नंबर लिखा हुआ है मशीन पे, कई बार रात को फोन आ जाते हैं, जैसे आपका फोन आ जाएगा कि सुबह चले जाना, तो मैं 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे और 7 बजे तो है ही है। कब तक रहना पड़ता है यहाँ? 7 बजे तक शाम को। यह है कि गाड़ियाँ चले जाए, इस बार निकल जाए, उसके बाद कमरे में। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।